छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी के बाद आज ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की जयंती मनाई गई। यह आयोजन हिंदू महासभा की तरफ से किया गया। हिंदू महासभा ने दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी तस्वीर का अनावरण किया है। इस मौके पर हिंदू महासभा के प्रदेश पदाधिकारी से लेकर सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम पूर्व घोषित होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मौके पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा कि देश का विभाजन मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था, इसके चलते 50 लाख हिंदू बेघर हो गए और 10 हिंदुओं का कत्ले आम हो गया। शहर के बीचों बीच स्थित हिंदू महासभा कार्यालय में शुक्रवार दोपहर को प्रदेश के सभी हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए। इसके बाद यहां विधिवत बापू के हत्यारे गौडसे नारायण आपटे और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे की तस्वीर लगाई गई। इसके बाद पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। इस दौरान अम्बाला की जेल में लाई गई मिट्टी से बापू के तीनों हत्यारों की तस्वीर का अभिषेक किया। पूजा अर्चना के दौरान बापू के हत्यारों की अमर होने की आवाज गूंज रही थी। हिंदू महासभा के लोग बापू के हत्यारे नाथूराम गौडसे नारायण आपटे और परचुरे के अमर रहने के जयकारे लगा रहे थे। इसके साथ ही हिंदू महासभा के लोगों ने उनकी आरती भी उतारी। सबसे खास बात यह है कि हिंदू महासभा का यह कार्यक्रम पहले से ही घोषित था। कल महासभा के लोगों ने खुद शहर में बीच चौराहे पर चुनौती दी थी कि यह बापू के हत्यारों की पुण्यतिथि मनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आज पुलिस प्रशासन बेखबर नजर आया। आपको बता दें कि दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे बापू के हत्यारे नाथूराम गौडसे और नारायण आपटे का साथी था। परचुरे ने ही ग्वालियर में स्थित अपने घर में नाथूराम गौडसे और नारायण आपटे को शरण दी थी। परचुरे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गौडसे और नारायण आपटे को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। इसके आरोप में ही डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे का आजीवन कारावास हुआ था। अखिल भारत हिंदू महासभा के ग्वालियर के जन्मदाता, ग्वालियर में हिंदू राष्ट्र सेना की स्थापना करने वाले ग्वालियर केसरी महान देशभक्त डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे जी की आज 37वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने ग्वालियर के अंदर डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे जी के चित्र का अनावरण किया और उन्हें आरती उतार कर नमन किया। हिंदू महासभा का स्पष्ट मानना है कि देश का विभाजन श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था, जिससे 50 लाख हिंदू बेघर हो गए और 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ऐसी विषम परिस्थितियों के दोषी जो है श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, इसलिए हिंदू महासभा अपने इस आराध्य डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे जी के पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करती है। जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।